अब तक आपने देखा विशु की मौत के बाद और रागिनी के अपने मायके चले जाने के बाद कैसे अभिमन्यु को रागिनी की तरफ आकर्षित होता देख अनुराग परेशान होता है। उधर सृष्टि के सामने बैजू की माँ पहले तो माफी का नाटक करती है, लेकिन जल्दी ही अपना असली चेहरा दिखा देती है, जिसके जवाब में सृष्टि बैजू और उसकी माँ की बेइज्जती करती है, जिसके बदले में बैजू सृष्टि को परेशान करना शुरू करता है। सृष्टि गुस्से में आकर बैजू को थप्पड़ मारती है, जिससे बैजू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सृष्टि से माफी मांगता है। अब आगे। आई एम सो सॉरी भाभी, हम आपको बिल्कुल हर्ट नहीं करना चाहते थे, वो तो हम। अरे कोई बात नहीं प्रिया, हम तो हर जगह हर बात को विशु जी से छोड़ देते हैं। आओ सबसे पहले तुम्हें ही तुम्हारी भिंडी खिलाते हैं, बैठो। आओ बैठो तो नहीं, खाना खा लो, चलो लाओ हम खाना निकाल देते हैं तुम्हारा, तुम कुछ खा लो। लाओ हम तुम्हें भिंडी और रोटी खिलाते हैं। बोलो। अब तुम हमें खिलाओ। इतनी अच्छे तो हम भी नहीं बनाते। मुंह खोलो। और हमने प्रॉमिस किया था ना, हम विशु जी को हमेशा खुश होकर याद करेंगे, है ना? अरे देखिए का हम आपके लिए प्रबंध किए हैं, देखिए। ओह माय गॉड अंकल, दिस इज सो ब्यूटीफुल, आई लव दिस शूटिंग रेंज, आपने तो कमाल ही कर दिया। थैंक यू सो मच। चलो चलो रागिनी, हो जाए केक। हाँ क्या हुआ? रात बहुत हो गई है ना, कल करते हैं निशानेबाजी। हाँ अरे हाँ, एक्साइटमेंट में मैं तो भूल ही गया, रात हो चुकी है। कोई नहीं, बट कल सुबह पक्का। पक्का डन। ओके गुड नाइट। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि बेटा जी। गुड नाइट अंकल जी। शुभ रात्रि। विशु भैया, आप हमारे भाई नहीं थे, आप हमारे सबसे अच्छे फ्रेंड थे, हम कितनी शरारतें किया करते थे, अब सारी बातें याद आती है हमें। आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, आप हमें बिना बताए चले गए। भगवान जी को आप जैसे अच्छे लोग क्यों चाहिए होते, बैजू जैसे कुंडे को क्यों नहीं उठाता भगवान जी, यहाँ पे रह के वो सिर्फ सबको तकलीफ देते। आप भाभी को छोड़ के चले गए और यहाँ रागिनी भाभी भैया को छोड़ के चले गई, पूरा घर बिखर गया। हेलो भैया, आपको हमारी याद नहीं आती ना? क्यों, लेकिन तुम्हारी भाभी को वापस लाने वाला मिशन इतना मुश्किल है कि बात तो क्या कुछ करने को टाइम नहीं मिलता। भैया भाभी अब तक नहीं पिघली क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन आप हिम्मत मत हारना, आपको याद है हमने एक स्कूल में कविता पढ़ी थी, तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। याद? थैंक यू सो मच मुझे हिम्मत देने के लिए। मेरी गुड़िया तुम तो सच में बहुत बड़ी हो गई। अब भाभी को लेकर जल्दी आ जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। और एक बात बताओ, घर पे सब ठीक है? माँ ठीक है और पापा? सब अच्छे हैं। चलो सबका ध्यान रखना, ठीक है? मैं जल्दी से आता हूँ तुम्हारी भाभी को साथ में लेकर। हम तो इसके आंसू पोंछने आए थे, लेकिन ये तो अपने भैया के आंसू पोंछ रही है। कितनी बहादुर है हमारी दिव्या, हमें आप ही की वजह से इतनी प्यारी फैमिली मिली। आज आप हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन हम हमेशा इनके साथ रहेंगे, इनका ख्याल रखेंगे। बस एक कमी है, वो है रागिनी की। रागिनी अब तुम जल्दी से गुस्सा थूक कर वापस हमारे पास आ जाओ, तुमसे ढेर सारी बातें करनी है।
लेकिन ये रागिनी कहाँ रह गई? अंकल जी, जब तक रागिनी नहीं आती तब तक आप अपने निशानेबाजी का कमाल दिखाइए ना। ये लीजिए। नहीं, आज आप दोनों जो है खूब निशानाबाजी कीजिए, हम जो है आप लोगों का निशाना देख करके ना उसका आनंद उठाएंगे। ऐसी बात है तो देखिए आप। सवास का बात है, इसे कहते हैं शेर का होने वाला दमा। कैसा लगा? बहुत बढ़िया निशाना लगाए हैं आप। बेटा जी, अब आप भी दिखाइए थोड़ा अपना दो हाथ। लीजिए, अब आपकी बारी। लीजिए। क्या बात है अंकल जी, रागिनी ने तो बिल्कुल प्रोफेशनल स्टांस लिया है। कोच कौन है इसका? और कौन हो सकता है? मतलब नो डाउट। अंकल जी, पापा ने बताया था आप बहुत अच्छा शूट करते हैं। अब तो इसका निशाना बेजोड़ ही होगा। आपसे एक प्रॉमिस करते हैं कि हम आज के बाद कभी भी पहला फायरिंग नहीं करेंगे। वाओ, वेल शॉट। बस थोड़ी सी कसर रहेगी, मैं सिखाऊं आपको इफ यू डोंट माइंड। आ सिखाइए। ये देखिए, ऐसे एकदम स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट एंड होल्ड द गन, निशाने पर आंखें और एकदम एल्बोज को थोड़ा फ्लेक्सिबल, एकदम डाउन। ओके, नाउ डू इट। अब कीजिए, पकड़िए पकड़िए अच्छे से। हाँ, खुद करते हैं। अरे आप कैसे करेंगे खुद? अब देखिए, मैं सिखा रहा हूँ आपको। ये ऐसे ऐसे एक पैर को आगे रखे रखिए रखिए और कलाइयों को थोड़ी सी फ्लेक्सिबल कीजिए ना अच्छे से। अरे ये देखिए, ये मेरी रागिनी को कोई और छुए ये मैं नहीं देख सकता। अभी रोकता हूं इसे, दूर करता हूं मेरी रागिनी से। अरे आप अपनी कलाइयों को इतनी स्टिफ करेंगी तो कैसे चलेगा? हाँ, निशाना कैसे लगेगा? फ्लेक्सिबल कीजिए और पहले तो अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कीजिए। बहुत गर्म, ये खाइए। अरे अरे वाह, क्या बात है। अरे बात अभी नहीं, बात तो तब होगी जब चटनी के साथ खाएंगे। ये लीजिए, इसके साथ खाइए। आई एम सो सॉरी। क्या कर दिया आपने? आई एम रियली सॉरी, वो एक्चुअली मेरा ध्यान नहीं गया। मैनेजर साहब, मुझे लगता है आप घर का काम करना तो चाहते हैं लेकिन आप थोड़े कच्चे हैं। आप उस दिन मेरे कपड़ों पर चाय गिरा दी, पर आज चटनी। अरे मुझे तो लगता है कि आपके कपड़ों को इस घर का खाना बहुत पसंद है। हो सकता है। क्या तुम सॉरी सॉरी किए जा रहे हो? जी नाम के खाली मैनेजर हो, का मैनेज करना तुम्हारे बस का बात नहीं है, किसी चीज के काबिल नहीं हो तुम। आइए अभिमन्यु जी। हाँ चलिए, चेंज करवाते हैं। अरे भोला देखो इनको जरा, अभिमन्यु जी को। इस तरह निशानेबाजी मैं भी सिखा सकता।
खुद तो हमारे बाबूजी से निशाना लगाना सीखे और हमें निशाना लगाना सिखाएंगे। इतने भी परांगत नहीं हुए हैं कि आप हमें निशाना लगाना सिखाए, समझे? आपको तो नफरत था ना हमारे बंदूकबाजी से, तो फिर अब का इतना ललायत हो रहे हैं आप हमें निशानेबाजी सिखाने के लिए? हाँ, जलन हो रही है। जलन? मुझे? मुझे क्यों होगी जलन? और किससे होगी जलन मुझे? तुम पर हक सिर्फ मेरा है रागिनी, सिर्फ मेरा। जाग जाइए मिस्टर अनुराग, दुनिया ना बहुत आगे बढ़ चुका है और हमारे ऊपर ना सिर्फ हमारा हक है, और ई हक हम किसको देंगे, कब देंगे, इसका फैसला भी हम ही करेंगे, समझे आप? वो वैसे भी हमारे बाबूजी ने जो हमारे लिए लड़का पसंद किया है ना, वो हमें भी बहुत पसंद आ रहा है। आप एक काम कीजिए, आप ये पानी पीजिए और अपना जलन मिटाइए। और आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दें, आपके जलने सुलगने भड़कने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ई हम जानबूझ के आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है, समझे? पानी पीजिए। पगला गए हैं का बिल्कुल भी? हाँ मंगल, अरे कोई है घर में? किधर मर गए हो सब लोग? इधर आओ मंगल, इधर आओ। जी दीदी। मैनेजर साहब के ना हाथ से बहुत खून बह रहा है, इस पे थोड़ा सा मरम पट्टी कर दो। अपने दीदी से जरा पूछ लो ना कि मैनेजर साहब के दिल पे भी चोट लगी है, उस पे मरम पट्टी कौन करेगा? मंगल, इनसे कह दो कि ये अपनी दिल की चोट पे ना पत्थर रख के सबर करे, और उनके चरित्र में तो वैसे ही बहुत पत्थर है। निशाना तो मैं अभी ना पिंद्रा से भी ज्यादा अच्छा लगा लूं, बस एक बार इस चाट की जगह वो अभिमन्यु खड़ा हो जाए फिर। बैजू के चक्कर में काका के नुकसान का पैसा देना भूल गए, हमें जाकर पैसे देने चाहिए। अरे काका, काहे को ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हो? हम जो कह रहे हैं काका समझ लो, साइलेंट मोड में मान लो बात को। बैजू देखो, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आपके पैर पड़ते हैं, भगवान के लिए चले जाओ यहाँ से। अरे काहे नहीं समझ रहे हो काका तुम, काहे के सारा बवाल ना यहीं से शुरुआत हुआ था, तो सारा बवाल भी हम यहीं खत्म करके जाएंगे। जो हम कह रहे हैं मान लो मेरी बात को, राजी हो जा चलो। लेकिन बैजू, हमें मालूम था कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं हो सकती। तुम वापस आ गए ना अपनी औकात पर? बिटिया मेरी बात तो नहीं सुनो। काका, आप हमें मत रोकिए, हमें इन हारे हुए लोगों से बिल्कुल डर नहीं लगता। क्या सोच के आए थे कि फिर से तुम इस गरीब आदमी की कमाई छीन लोगे और कोई भी डर की वजह से तुम्हें कुछ नहीं कहेगा? बिटिया आप बिल्कुल मत डरिए काका, हमारे रहते ये गुंडा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम अपने आप को बहुत बड़े गुंडे समझते हो ना,
लेकिन सच्चाई ये है कि तुम गरीब के टुकड़ों पर पलने वाले कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं। तुमसे ज्यादा इज्जत तो जूते सिलने वाले मोची की होती है। कम से कम वो अपनी मेहनत की कमाई तो खाता है, तुम्हारी तरह नहीं। देखिए मैडम जी, इससे पहले कि हम पुलिस को बुलाएं, तुम यहां से चले जाओ, वरना इस बार तो जमानत भी नहीं होगी। बिटिया, बैजू हमसे पैसा छीनने नहीं आया था, बल्कि वो तो हमें पैसा दे रहा था, हम ही लेने से मना कर दिए। अब देखो काका, क्या है कि तुम्हारा ये महाभारत और ये रामायण वाला विचार है ना, हमको समझ में नहीं आता। मैडम जी, हम ठहरे बैल बुद्धि, आप समझदार है, आप वकील है, आप समझा सकती हैं काका को। हमने जो गलती की है, जो उसका भरपाई करना चाहते हैं। अरे ही नहीं, हम औजार और लकड़ी भी लेके आए हैं ताकि आपको दुकान वापस से मरम्मत कर पाए हम, इसलिए काका को पैसा दे रहे हैं, आप ही समझाइए। काका, आपका हमारी वजह से नुकसान हुआ है, ये लीजिए पैसे। नहीं बिटिया, आप ये पैसा अपने पास ही रखिए, हम भेजू तो पैसा ले लेंगे। ये लोग अगर सुधरना चाहते हैं तो हम इन्हें एक मौका दे देते हैं। मैडम जी तो नहीं मानी, आप तो मान जाओ, कम से कम पैसे लो, चलो खत्म करो बात। वैशु भैया, चलो भाई मरम्मत कर। ले जाओ मुझे। अरे बा, आ गए। अच्छा बा, दे दिया ना बेटा उस देधारी को पैसा। पापा हम वहां गए तो थे लेकिन पैसे नहीं दे पाए। तुम कहाँ हुआ? वो बैजू था वहां पर। बैजू? बैजू? बैजू गुंडा वहां पहुंच गया था। अरे कुछ किया तो नहीं ना? मदद की। मदद की? भाभी कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्लियरली बताइए। बोलो बेटा। वहां पर बैजू पहले से ही था, उसने गिरधारी काका के नुकसान की भरपाई की, उनको सारे पैसे वापस किए, फिर उसने और उसके दोस्तों ने उनकी दुकान की मरम्मत की। ओ, हमको सब समझ में आ गया। कहाँ समझ गई हो तुम? अफवाह, तुम वो भोजपुरी फिल्म नहीं देखती हो? कैसे वो जो हीरो रहता है ना, वो पहले बदमाश रहता है, फिर उसके बाद वो अच्छा आदमी बनता है इंटरवल के बाद। तो हमको क्या लगता है कि सृष्टि भौजी की कहानी का ना जरूर इंटरवल है, और वही चलते हुए बैजू जो है ना से निम्न आदमी बनने का कोशिश करा ना। और ना फिल्मों में एक कॉमेडियन भी होता है, वो आप बन जाओ, ठीक है? हे दुलरिया, बकवास बंद करो अपना। वो बैजू ना सुधरा हो हमारे बला से, हम बस इतना जानते हैं कि हमारे घर के दरवाजे तक नहीं पहुंचना चाहिए बस। पर पापा, कोई ऐसे कैसे बदल सकता है? आई मीन बैजू जैसा गुंडा जो हमेशा अपनी जिंदगी ऐसे ही जीता आया है, वो अचानक से कैसे? मैडम बस, अरे बंद करो वो गुंडे का नाम लेना, जो देखो उसी के नाम का माला जप रहा है। आज के बाद ई घर में उस सनीचर का कोनो नाम नहीं लेगा। ठीक है माँ, अब कोई उस गुंडे का बात नहीं करे। सृष्टि बिटिया, बिटिया हम एक पड़ोसी से सुने हैं कि यहाँ पास में ही कौनो बहुत सिद्ध मंदिर है, हो सकता है वहां जाके हमारे घर में भी सुख शांति आ जाए। बिटिया तुम ले चलोगी वहां हमें? क्यों नहीं दादी, अभी चलते हैं उस मंदिर में दर्शन के लिए। हम बस ये पैसे अंदर रख कर आते। ठीक है।
है तुमको एक बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि हमको और हमारा बेटा जी को ना कोई पसंद आने लगा है, और उसका ही खूबी देख करके ना हमारा बेटा जी को तुम्हारे अंदर का खामी समझ में आ गया। वो दिन कुर्सी टेबल को तोड़ने से, चीखने से, चिल्लाने से तुम्हारा हार साबित होता है बे। मैं रागिनी से प्यार करता हूँ पापा जी, और मेरा प्यार कभी नहीं हारेगा। तो ठीक है, तुम अपना जीत का इंतजार करो, लेकिन हमको पूरा यकीन है कि अभिमन्यु सिंह बहुत जल्दी घर का सदस्य बन जाएगा, और ये देख करके ना तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और अपना घर वापस लौट जाओगे। देखो कहावत है, तुमको बताते हैं और ध्यान से सुनो, कुकुर पाल लो बिलाई पाल लो, समझे? लेकिन गलत फहमी मत पालो। तुम अगर चाहो तो शादी तक रुक सकते हो। और मैं कभी उसको इस घर का सदस्य बनने नहीं दूंगा, क्योंकि ये कहानी अनुरागिनी की है। इस कहानी में कोई अभिमन्यु नहीं आएगा।